मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर ईएएफएम सेकंड के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत सर्वव्यापक बैंकिंग ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल बैंकिंग कह सकते हैं हम इसे, ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग को। देखिए, उदारीकरण के बाद में भारत में आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। हमारा बैंकिंग क्षेत्र भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। भूमंडलीकरण के दौर में हमने भी अपने बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का प्रयास किया है। उदारीकरण के दौर में निजी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के आगमन से भारतीय बैंकों को भी अभिनव बैंकिंग प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता हुई है। बैंकों की क्रियाओं के कुशल संचालन, कुशल प्रबंध, ग्राहक सेवा में सुधार, सुविधाओं का विस्तार एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए नवीन बैंकिंग विधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। बैंकिंग क्षेत्र में नए विचारों एवं विधियों के प्रयोग को अभिनव बैंकिंग का नाम दिया गया है। बैंकों में अभिनव परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। इसके माध्यम से बैंकों की सेवाओं में सुधार तथा ये ग्राहकों के अनुकूल बनी है। ई बैंकिंग का अर्थ तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है। यह बैंकिंग उद्योग में ई व्यवसाय के समान है तथा उनकी बढ़ती हुई आशाओं की पूर्ति करते हैं। इसे वास्तविक बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संरचना का प्रयोग है। इसमें नवीनतम साज सज्जा और समाधानों का प्रयोग किया जाता है। समन्वित नेटवर्क का आवश्यक रूप में प्रयोग करके कुशल भुगतान एवं निपटारा किया जाता है। सुधरी हुई ग्राहक सेवा और लाभदायकता में सुधार को संभव बनाया जाता है। वास्तविक बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग का तात्पर्य ऐसी बैंकिंग सुविधा से है जिसके ग्राहक द्वारा प्रत्यक्ष बैंक कार्यालय को बिना बैंक कार्यालय गए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी के व्यापक प्रयोग द्वारा बैंकिंग एवं संबद्ध सेवाएं प्राप्त की जाती है। ई बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित बैंकिंग प्रणाली आती है। इस सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय में बैंक द्वारा ग्राहकों को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इससे बैंक से ग्राहक का सीधा संपर्क बन जाता है। यहाँ तक कि ग्राहक को बैंक के कार्यालय में भी आने की आवश्यकता नहीं होती है। ई बैंकिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच ए कस्टमर में परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग ए ब्रिक एंड मोर्टर इंस्टीट्यूशन। ई बैंकिंग में सम्मिलित प्रमुख सेवाएँ हैं, जैसे ATM का नाम आपने सुना होगा, स्वचालित टेलर मशीन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, चेक ट्रंकेशन, इधर आपके इलेक्ट्रॉनिक चेक रिकॉर्डिंग पेमेंट सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र, बी पे एंड बी पे व्यू बिलों का भुगतान। ई बैंकिंग ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय बैंकों से लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। इससे खातों के मध्य भुगतान हस्तांतरण, बिलों के भुगतान तथा 7 दिन व 24 घंटे क्रय की सुविधा मिलती है। ई बैंकिंग का क्षेत्र व महत्व, देखिए बैंकिंग ई बैंकिंग के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। बैंकों के लिए सेवाओं की परिचालन लागत में भारी कमी आ जाती है। ग्राहकों को घर बैठे सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इससे ग्राहकों को बैंक कार्यालय आने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। इस तरह से इस ई बैंकिंग में बैंक के लेन देन के रिकॉर्डों में
गलती की संभावना भी समाप्त हो जाती है और ग्राहकों को एटीएम से किसी भी समय नगद धनराशि प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना नगद धनराशि की वस्तुएं खरीदने की सुविधा मिलती है। इस प्रकार के क्रय पर अनेक प्रकार की छूट भी प्राप्त होती है। हर समय धनराशि नगद रखने की असुविधा से मुक्ति मिल जाती है। ग्राहक अपने खाते से दूसरे खाते तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि स्थानांतरित कर सकते हैं। केवल कंप्यूटर, स्मार्ट मोबाइल फोन की सहायता से कार्य हो जाता है। इसमें मुद्रा का भौतिक रूप से लेन देन नहीं होता है। ग्राहक अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर बैंक खाते का संचालन कर सकता है तथा सभी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। ग्राहक की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा खाता संचालन करने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है। इसकी सहायता से नेट के माध्यम से खाता संचालित कर सभी बैंक सेवाएं जैसे चेकबुक प्राप्त करना, चेक का भुगतान रोकना, बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना, धन हस्तांतरण करना आदि प्राप्त की जा सकती है। इससे कागज़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम आदि की बचत होती है। कोई भी उपभोक्ता ई बैंकिंग द्वारा बिना अतिरिक्त व्यय किए बैंक की सभी सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकता है, क्योंकि बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए सामान्यतः कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेती और यदि लेते भी हैं तो बहुत मामूली शुल्क लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ देश व विदेश में रहकर कहीं से भी उठाया जा सकता है। इससे बैंकिंग सर्वव्यापी एवं सर्व सुलभ हो गई है। इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहक घर बैठे अपने खाते की संपूर्ण जानकारी जैसे जमा पैसे निकालना, FDR, ATM से पैसा निकालना, बिलों की प्राप्ति व भुगतान, धन हस्तांतरण करना, कंपनियों के लाभांश जमा होना आदि प्राप्त कर लेता है। ग्राहक चाहे तो इनका प्रिंट भी ले सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने भुगतान जैसे किराया, वेतन व अन्य स्थायी भुगतानों का समय निश्चित कर बैंक को निर्देश दे सकता है। निर्धारित समय पर निर्धारित भुगतान स्वतः हो जाते हैं। इसमें चेक व नगद भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक व छोटा व्यवसायी आवश्यकता होने पर अपने एक खाते की धनराशि आसानी से दूसरे खाते में हस्तांतरित कर सकता है। इससे ग्राहक को 7 दिन 24 घंटे बैंक सुविधा मिल जाती है। कार्यालय समय के अतिरिक्त ग्राहक किसी भी समय बैंक खाते का संचालन कर सकता है। ई बैंकिंग में जोखिम एवं सुरक्षा। ई बैंकिंग अथवा इंटरनेट बैंकिंग जहां एक ओर अनेक सुविधाएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इससे उपभोक्ता को अनेक जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि ई बैंकिंग के माध्यम से कई लोगों ने फ्रॉड करके नुकसान पहुंचाया है, आम बैंकिंग जो है कस्टमर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। आपके खातों को हैक भी ये लोग कर लेते हैं और खाते के खाते साफ हो जाते हैं। तो क्या जोखिम है खाते को गलत लोगों द्वारा हैक करना? ये समस्या इंटरनेट बैंकिंग की सामान्य समस्या है। सामान्य रूप से हैकर बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती साइट बनाकर लिंक भेज देते हैं। यदि ग्राहक इस पर क्लिक कर देता है तो ग्राहक की सभी व्यक्तिगत जानकारियां चुरा ली जाती है तथा फिर उसके खाते से रुपए निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है फ्रॉड किया जाता है। इस तरह से सामान्य रूप से ग्राहक को किसी भी सार्वजनिक कंप्यूटर अथवा कार्यालय के कंप्यूटर से बैंक खाते का संचालन नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के लिए उसे अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर मोबाइल से ही बैंक खाते का संचालन करना चाहिए। अतः ग्राहक की गोपनीय सूचनाएं चोरी हो सकती है अगर वो किसी अन्य कंप्यूटर से करता है। अनेक बार बैंक के नाम से धोखाधड़ी के लिए ईमेल भेजकर ग्राहक से व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी जाती है। ग्राहक को इन ईमेल का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। बैंक इसके लिए ग्राहकों को सचेत करते रहते हैं। धोखेबाज लोग इन सूचना का उपयोग धोखा देने के लिए कर सकते हैं। आजकल यह काम बहुत हो रहा है, अतः सावधानी रखें। मोबाइल धारक के लिए आवश्यक सूचना। आपके फ़ोन पर अगर ट्रू कॉलर इंस्टॉल है और उस पर कोई जानकारी आपको प्राप्त होती है तो वह पूर्ण विश्वास योग्य नहीं है। इसको सावधानीपूर्वक उपयोग करें। इसका सोशल मीडिया पर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपकी जन्मतिथि, विवाह की वर्षगांठ, मोबाइल नंबर, घर का पता कभी साझा न करें। इससे आपका बैंक ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है। आपके मोबाइल पर अगर कभी SMS से कोड आए और कोई आपसे उसको फ़ोन कर पूछता है तो ये जाहिर है कि आपका अकाउंट कोई हैक करना चाह रहा है। आपको कभी भी किसी भी आदमी को
अपना ये OTP अगर आता है तो नहीं बताना चाहिए। यह कोड आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके बैंक अकाउंट का पिन कोड एवं पासवर्ड कभी भी बैंक आपसे फ़ोन पर नहीं पूछता है, ना ही आपसे कोई बैंक का अधिकारी फ़ोन करके किसी भी प्रकार की जानकारी लेता है। अगर कोई फ़ोन करके आपसे जानकारी चाहता है तो कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, ये मानिए और सावधानी बरतें। आप अपने पासवर्ड व खाते से संबंधित कोई भी जानकारी किसी से शेयर न करें। Thank you.